नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है प्रैक्टिस करेंगे ठेठ नागपुरी में जो स्केल प्ले होता है, जो वाइब्रोफोन प्रोग्राम से पहले जो हमने प्ले करते हैं कोई भी, जैसे कोई बड़ा कलाकार जैसे स्टेज शो में परफॉर्म करते हैं तो उसको किस टाइप से प्ले करते हैं, चलिए मैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें वीडियो, और अच्छा लगे तो एक लाइक दोस्तों ज़रूर करें, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा गाइस, क्योंकि इसमें मैं बहुत से चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ जिन्हें आप फॉलो करके एक अच्छा खासा कीबोर्डिस्ट आप बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसको प्रैक्टिस करके अच्छा खासा आपका प्लेइंग हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा गाइस, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा आज स्केल बताने वाला हूँ जिससे आपका, जैसे कोई भी ठेठ नागपुरी का सॉन्ग जो प्ले करेंगे उसमें चार चांद लग जाएगा, आपको प्ले करने में मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं प्ले करके सुनाता हूँ किस टाइप से इसका वाइब्रोफोन का जो म्यूज़िक है वो सुनाई देता है प्ले करने से। तो वीडियो स्किप ना करें फ्रेंड्स, और देखिए कैसे ये कहाँ कौन कौन से इसमें की यूज़ हुए हैं वो देखो, और ये इन्वर्जन कीस में प्ले हुए हैं, इन्वर्जन कॉर्ड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे प्ले करना है आपको, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, स्किप आपको नहीं करना, नहीं तो आपको बीच में जो है आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको, कैसे ये प्ले होता है, ये जो टोन है वाइब्रोफोन का जो टोन है वो आपको फिर इसमें आप जो है फ्लूट करके भी फ्लूट टोन प्ले करके आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्राम का शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे प्ले करना है आपको, जैसे कोई ठेठ नागपुरी आपको सॉन्ग प्ले करना है तो क्या है, आप नॉर्मली तो आप ये वाला वाइब्रोफोन, मैंने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ ये वाला, ये हमने ऑलरेडी सीख चुका है पहले ही। तो आज मैं कौन सी वाइब्रोफोन बताने वाला हूँ, चलेगा इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपका कौन कौन से की में आपका, तो फ्रेंड्स आपका जो सबसे पहला जो फिंगर है आपका, ये वाले फिंगर को आपको कहाँ रखना है सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये जो है फ्रेंड्स कितने ऑक्टेव में प्ले होंगे ध्यान से देखिएगा। ये देखिए सबसे पहले यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, उसके बाद में यहाँ, जैसे आपका है ये है 5 ऑक्टेव का कीबोर्ड, ठीक है। तो आपको सभी ऑक्टेव में इसको प्ले करना है, ओके। तो ये तो रही बात ऑक्टेव की, तो इसको बजाना कैसे है चले देखते हैं। पहले इसका फिंगर कौन कौन से यूज हो रहे हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे पहले, जैसे कि आपको जो है ये फिंगर को जो है फ्रेंड्स यहाँ रखना है आपको, देखिए ये है आपका एफ नोट है, ओके, एफ नोट है। और फिर उसके बाद में आपको सेकेंड वन आपको यहाँ रखना है फ्रेंड्स, यहाँ ये कौन सा है, बी फ्लैट, ओके, बी फ्लैट। देन थर्ड वन ये सी है, और ये है डी है, तो डी नोट में आपको रखना है, कैसे देखिए। और जब इसको 1 2 3 करके इसको 1 2 3 सीक्वेंस वाइज आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। लास्ट आपका जो ऑक्टेव है फ्रेंड्स वहाँ तक आपको प्ले करना है। तो ध्यान से देखिएगा इस यहाँ पे, सबसे पहले हमने रखा ये एफ नोट में, सबसे पहले हमने इसको रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने रख दिया बी फ्लैट में इसको, डी में रख दिया हमने ये थंब वाला, मेरे को क्या है फ्रेंड्स इंडेक्स फिंगर में प्ले करने का आदत है, तो मैं जो है ये फिंगर अधिकतर यूज़ करता हूँ। आप इसको यूज करिएगा क्योंकि ये रियल है, कोड लगाने का जो रियल तरीका है आप इसे यूज़ करें, ठीक है। आप जैसे आप प्रैक्टिस पीरियड में हैं तो आप जो है जेन्युइनली इसको प्रेस करिएगा। तो देखिए कैसे ये प्ले होगा, कौन कौन से इसमें, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस टाइप का प्ले होगा, ठीक है। Thank you.
ये बी फ्लैट मेजर का इन्वर्जन कोड है, जैसे कि आप इस टाइप से भी इसको बजा सकते हैं। और यही प्ले होगा यहां से, बस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है फ्रेंड्स, बाकी जो है इसी कोड्स के इन्वर्जन कोड से है। बहुत ही सुहावना सुनाई देता है ये, जैसे आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो चार चांद लग जाएगा आपके प्लेइंग में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो फर्स्ट में बताया आपको एफ नोट में रखना है, उसके बाद में बी फ्लैट में रखना है, उसके बाद में डी में रखना है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आगे बढ़ना है, 1 2 1 2 3 4 5 6 उसके बाद में देखिए 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक प्ले करिए, आप उससे आगे जाना नहीं। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट कौन कौन से में आपको फिंगर रखना है, देखिए पहले आपको रखना है सी नोट में, देन आपको ये ई फ्लैट जो है फ्रेंड्स इसमें रखिए, उसके बाद में देखिए जी नोट में रखिए, इसमें चलिए हम जो है एकाध सुर लगा के देखते हैं, चलिए इसमें देखिए कोई ठेठ नागपुरी का सॉन्ग, ये वाले कॉर्ड यूज करना है। समझ में आई मेरी बात? और कितना स्वीट सुनाई दे रहा है, आप खुद सुन सकते हैं और प्रैक्टिकली आप प्ले कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको अच्छे अच्छे जो म्यूजिक है दोस्तों, जो प्लेइंग है वो मैं आपको बताते रहता हूँ, क्योंकि ये जो मेन चीज है दोस्तों, इसको कोई कीबोर्डिस्ट नहीं बताता है। ठीक है, सब बजा के चले जाते हैं फ्रेंड्स, और जो सीखने वाले होते हैं उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस टाइप का जो है आपको लेसन, आपको मिलता रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से, फर्स्ट में देखिए कैसे, और एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ दोस्तों। और एक हमने वाइब्रोफोन बनाया हुआ है, उसको सुनते हैं चलिए। प्यारा है, तो इस प्रकार से आप प्ले कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में जैसे कि मैंने फ्लूट में प्ले किया, इसमें और कई सारे आप ठेठ नागपुरी बजा सकते हैं, जैसे नागपुरी। तो फ्रेंड्स आज का था ये वीडियो, तो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, मैंने सब शुरू से लेकर
लास्ट तक मैं आपको बता दिया हूँ, बस आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसको बार बार आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक में आप चाहते हैं वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियोस डेली अपने चैनल पर लाते रहते हैं आप सभी के लिए। और दोस्तों कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, और नेक्स्ट कौन सा सॉन्ग चाहते हो या फिर कोई लेसन चाहते हैं तो उसके बारे में भी लिख दें, ठीक है ब्रो। और आपको बीट चाहिए, कोई ठेठ नागपुरी का रिदम चाहिए तो भी आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और किसी भाइयों को जैसे कोई सॉन्ग निकालने में कोई कठिनाई हो रही हो, अगर वे चाहते हैं कि नहीं हम क्लास ले लें ऑनलाइन, तो वो भी हमें कॉन्टेक्ट करके अच्छा खासा कीबोर्ड बजाना सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और इसी टाइप से वीडियोस मैं डेली आपके लिए लेकर आऊँगा दोस्तों। आप सपोर्ट बनाए रखें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियोस डेली अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, कल मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।